जो हम लोग चाहते हैं कि भी हाई स्कूल लेवल के ऊपर भी जो है हम लोग जो है बच्चों के ऊपर काम करें, टीचर के ऊपर काम करें। आप लोगों को देख करके समझ में आ गया होगा, है ना, और जिस हिसाब से आप लोग मतलब बजा रहे थे कुमारी, तो मतलब आपके अंदर के मतलब जो मतलब चीज़ों को देख करके समझने की या मतलब उसको प्रैक्टिकली करने की जो मतलब उत्सुकता है जो वो नजर आ रही थी मुझे कि भी आप लोग मतलब इतने इसको इन्जॉय कर सर बस आते थे, एक किताब निकलवाते थे, अपना जो पिछला होमवर्क चेक करते थे या जो शेड्यूल होता था वैसा कर रहे होते, या लेबोरेटरी में ले जाते थे, स्पेशल बताते थे कि हाँ आप ले जाएंगे ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन एंट्री करते ही मतलब जो एकदम सरप्राइजिंग कुछ चीज मिला ना वो बड़ा अच्छा। कई चीजों को अब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ाने के लिए मुझे कम से कम एक हफ्ता तक का शेड्यूल लगता था, मैं तो टाइम बच रहा है, मतलब मैं ये चीज महसूस किया हूँ कि टाइम बचता है। एक्सपेरिमेंटल किसी चीजों को बताया जाए ना तो साइंस में तो रियली ऐसा होता है, टाइम बचता है और बेहतर कॉन्सेप्ट उनको मिलता है। सर रियली बोल रहा हूँ, मैं अपने आप में बहुत बड़ा क्लाइमेटिकल चेंज पाया, और जो सोचने की विचार जो शक्ति थी वो पूरी तरह से मेरी चेंज हो गई, मेरी लाइफ ही चेंज हो गई। डेफिनेटली मैं और कहूँगा अगर मेरे घर में किसी बेटी है मेरी तो क्रिएटिव नेचर की, ये जो उसको साइंस के ऊपर अटैक करना है ऐसा है कि हमारे पास अभी बेसिकली पिछले साल तक के हम लोगों ने 10 डेज का ट्रेनिंग लिया यहाँ पर, ये वर्कशॉप पर, वो भी 2 डेज का। उस 10 डेज में हम, मैं अपने पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, हम सिर्फ 5 या 6 डेज वहाँ पर कंपल्सरी अटेंड करते थे, क्योंकि वहाँ सिर्फ लेक्चर चलता था और लेक्चर वो भी बोर्ड पे, वर्किंग नहीं होता था तो उसमें इंटरेस्ट नहीं आता था। यहाँ पर चूंकि हम कल सुबह से आए, हम कल सुबह 10 बजे से यहाँ जो बैठे थे, इंटरेस्ट ऐसा है कि हम, सर ने बताया वो चीज़ हम खुद कर रहे हैं, करने से ये होता है कि वो सारी चीज़ें हमको याद भी रहेंगी, और मैं आज से 10 दिन बाद भी अगर मैं साल भर बाद भी किसी को बताऊंगा तो वो दिमाग में रहेगा हाँ वो बच्चा समझ। क्या डिफरेंस हुई था कि करके सीखने की जो बात दिखा रही है, नया मुद्दा जो आया है करके सीखना, तो वो करके सीखने का एक्चुअली थोड़ा सा बोरिंग भी होता है, एक बहुत ही जरूरी नहीं कि हमारे पास बहुत बड़ा कुछ फंड हो, जो छोटा मोटा हम दिन भर में खर्च करते हैं 20-30 रुपए यहाँ पर करके सीखते हैं, तो वो चीज़ पूरी की पूरी अपन उसको ले पाते हैं, तो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। दूसरी वही बात है कंसम्पशन की, कितनी की कहते सोचते हैं कि बहुत बहुत सामान होना चाहिए हमारे पास तब हम कुछ कर पाएंगे, तो वो चीज़ हमको यहाँ बहुत बड़ा भ्रम होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ों से भी अपने कॉन्सेप्ट को बच्चों तक पहुँचे, सब सोचे नहीं थे कभी भी ऐसा भी हो सकता, मस्ती कर रही है सब कर रही है, सोचे नहीं थे कि ये सब खुद ही प्रैक्टिकल कर सकते हैं आप, ये बच्चों को बताना बड़ा आसान रहेगा, बच्चे भी मेरे ख्याल से इंटरेस्ट से सीखेंगे। जो भी साइंस से रिलेटेड है वो हम लोग उसको सोच भी नहीं सकते थे, इतना अपन आगे बढ़ चुके थे, एक्चुअली क्या लाइव प्रोजेक्ट है, अपन क्या बाहर जाते तो ये दिख रहा है ये चल रहा होगा कहीं से घूम रहा होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि दैट इज टोटली अ लाइव प्रोजेक्ट। कुछ कुछ टीचर जैसे कि सोच रहे होंगे कि कैसा नॉलेज कैसा ट्रेनिंग दे, लेकिन यहाँ आने के बाद आज सोच रहे कि नहीं एक दिन और लिया जाए। आने से पहले यही था कि बाकी जितना भी ट्रेनिंग है सब बोरिंग था, हमेशा रिटर्न राइटिंग वही चलता रहता था, इसमें रिटर्न राइटिंग वाला कोई नहीं है, हर चीज है और प्रैक्टिकली है, हर चीज करके देख सकते हैं। आज तक जानते थे कि टरबाइन चलता कैसा है, बिजली कैसे उत्पन्न होगी, और पढ़े थे पुस्तक में केवल मानचित्र ही देखे थे, चित्र ही डायग्राम देखे, लेकिन यहाँ करके देख रहे हैं हर चीज को, प्रैक्टिकली बना के देख रहे हैं, पार्ट्स बना के देख रहे हैं, हम स्वयं करके देख रहे हैं, जिससे नॉलेज हम लोग बढ़ रहे हैं, जाके बच्चों को हम उनको महसूस करा सकते हैं कि वास्तव में ऐसा, जैसे हम लोग केवल 2 ही आए अपने अपने जिले डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक से, ये हर जिले में होना चाहिए सर, आप लोगों के माध्यम से हम लोगों के माध्यम से हर जिले में और प्रत्येक टीचर को होना चाहिए, ये 2 से हम लोग 1000 को बताएंगे आप लोगों के माध्यम से, आप लोग भी रहो, और ये केवल 2 दिन का नहीं सर, कार्यकाल और बढ़ना था मेरे हिसाब से, और बढ़ना था, क्योंकि 2 दिन में बहुत सारा सीख रहे हैं और बहुत अच्छा ऐसा लग रहा है, कम से कम 5-6 दिन और बढ़ना था, दूरी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये हर स्कूल हर गाँव हर जिले में जाना चाहिए छत्तीसगढ़ में, तो और मेरी बढ़ और आप लोग हर जिला में जाके पूरे टीचर होंगे, छत्तीसगढ़ में टीचर है पर बाई पर वन बाई वन सब, छत्तीसगढ़ के सारे टीचर्स को इनके बारे में होना ही चाहिए, क्योंकि इनके थ्रू हम क्या है डायरेक्ट सीधा बच्चों से कॉन्टेक्ट करेंगे और बच्चे फिर ज़्यादा इफेक्टिव ढंग से सीखेंगे। जैसे कि हमने देखा कि कम दाब क्षेत्र में पानी का जैसे कि फ्लुएंसी कैसे हो रही है ना, चाहे हम लेडी के बाएँ हाथ या दाएँ हाथ का नियम देखें, उनको हमने यहाँ पे साक्षात देखा, जबकि ऐसा लग रहा था कि हम ट्रेनिंग से ये ट्रेनिंग बहुत इफेक्टिव है सर, और ये 2 दिन कैसे कट रहा है ये हमको पता नहीं चल रहा सर। और